सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के बारे में, साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो इसमें आपके सॉल्व करेंगे, और जितने भी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं और उनमें सीट्स कितनी। जो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 67 है, उसमें आपकी एमबीबीएस की सीट्स हैं 9903। ये डेटा 2023 तक है, 2024 में नए कॉलेजेस आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 22 कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट भी हैं प्राइवेट भी हैं। उनकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कौन से कॉलेज आ रहे हैं एंड कहाँ पे वो आ रहे हैं। फर्दर बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी तक 35 थे और गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट हमारे पास 4303 है, एंड प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पास 31 थे जिसमें से सीट 5450 सीट है। 2023 तक की बात कर रहा हूँ मैं। डीम्ड कॉलेज हमारे पास एक ही जिसमें सीट 150 है, जो संतोष गाजियाबाद के अंदर है। सो फर्दर बात करें काउंसलिंग के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी वाली होती हैं वो होता है उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है, जो फ़ी डिस्प्ले की जाती है गूगल पे, एक्चुअल में वो फ़ी नहीं होती है। हर मेडिकल कॉलेज में अलग अलग हिडन चार्ज है, कहीं पे 50,000 से लेके 1,00,000 है, कहीं पे 1.5 लाख 2,00,000 है। सो ये मल्टीपल कॉलेज के अलग अलग हिडन चार्जेस हैं जो कि नहीं होने चाहिए, बट काफ़ी कॉलेजेस इसको अंडर द टेबल लेते हैं और कॉलेज आपको नहीं बताएगा इस चीज़ के बारे में जब आप एडमिशन ले रहे हो। सो अगर आपको उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशन चाहिए, हिडन चार्जेस की, इंटरनल डिटेल्स कोई भी, हमारी आईडी आपको इंस्टाग्राम की शो हो रही होगी, आप हमारी टीम को मैसेज करिए। हमारा बेसिक प्लान है, एक प्रीमियम प्लान है 1999 का, उसमें आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जितने भी कॉलेजेस उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। प्लान का प्राइस अभी 1999 चल रहा है, आप अभी से जल्द जाके एनरोल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको ले सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले और आपको ऐसा कॉलेज मिले जिसमें पेशेंट फ्लो अच्छा हो, एकेडमिक्स अच्छा हो और हिडन चार्ज कम हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए मेडिकल कॉलेजेस आने वाले हैं, वो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनमें से सीट हम देख सकते हैं एटलीस्ट 1,000 से 1,100 सीट हमारी नई आ सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बात करें काउंसलिंग प्रोसीजर का, कि अपडेट क्या है, कब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि रीनीट होगा नहीं होगा, वो काउंसलिंग में अप्रोच करें नहीं करें, तो इस सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही बच्चों को, तो उस सब के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँ। अभी तक जो नोटिस आ रखा है वो एक पेपर कटिंग में आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग 6 जुलाई से आपकी काउंसलिंग का अपडेट आएगा, बट 8 तारीख को आपको सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रह रहा है, तो बट तब तक अगर आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। अब रही बात काउंसलिंग की, आपको कहाँ पे नीड पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रजिस्टर करते हैं उत्तर प्रदेश में और वो फर्स्ट राउंड में ही उनका स्कोर अगर 450 है तो वो चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं, और आपको वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग में एक मिस्टेक भी आपको एक ऐसे कॉलेज में डाल सकती है जहाँ पे आपका पूरा करियर डिपेंड करता है। एक अच्छा कॉलेज आपको चाहिए अगर आपका एक अच्छा स्कोर है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको यही पहले क्लियर कर दूं कि आपको जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत प्रिसाइज करनी है, बहुत देख के करनी, आपको हमारी गाइडेंस उसमें चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हमारा आईडी शो हो रहा होगा, हमें टेक्स्ट करिए, मेरी टीम अवेलेबल है आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, एंड 24/7 आपके पास असिस्टेंस रहेगी हर डाउट के लिए। फर्दर बात करूँ फ्री एग्जिट की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हरियाणा में भी टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में टारगेट कर रहे हैं, उत्तराखंड में टारगेट कर रहे हैं, 3 स्टेट की काउंसलिंग भर रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया की भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं एक सीरियस अपडेट देना चाहता हूं कि जो 2,00,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी मनी उत्तर प्रदेश में अंदर सबमिट होती है वो आपको फ्री एग्जिट नहीं देता है। मतलब अगर आपने यूपी में भी अप्लाई किया और हरियाणा में अप्लाई किया और आपको कॉलेज दोनों जगह अलॉट हुआ है और आप हरियाणा में कॉलेज ले रहे हो, तो 2,00,000 की फी जो आपने यूपी डीजीएमई को दी थी तो वो आपकी रिफंड नहीं होगी। वो एक ही हाल में आपकी फी रिफंड होगी अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है 3 न्यू राउंड के अंदर। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना। इसके अलावा भी बाकी जितनी भी चीज़ें आपको काउंसलिंग में बहुत ध्यान से देनी पड़ती है ताकि एक अच्छा कॉलेज मिले। फर्दर जो चॉइस फिलिंग होती है, जो आपकी पेमेंट्स वगैरह होती है, उसमें भी आपको काफ़ी प्रिसाइज रहना होता है। आपके डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है आपको वो अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट लिंक करना होता है ताकि आपका डॉक्यूमेंट एज इट इज़ अपलोड हो जाए, क्योंकि आपको फाइल कंप्रेस करनी पड़ती है और फिर अपलोड करनी पड़ती है। एंड बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जब आप फाइल कंप्रेस करते हैं तो अपलोड होते टाइम डेटा ब्लर होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, तो वो सेकेंड राउंड में किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं या हमारी ले रहे हैं, किसी भी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं, बट सेकेंड राउंड में ऑब्वियसली बात है कट ऑफ बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाता है उत्तर प्रदेश का।
तो वो फिर उस टाइम पे अप्लाई करके उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, जबकि फर्स्ट टाइम उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो इन सब चीज़ों को, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप एक किसी काउंसलर के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाइए, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए या किसी और से करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास ही आइए, किसी भी एक अच्छे इंसान के पास जाइए जिसका एम ना हो पैसा कमाना सिर्फ, जो बच्चों की हेल्प करना चाहे। हमारी टीम के पास भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी और के पास भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ योर नीड। फर्दर बात करूँ उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग की, अभी जो भी रीसेंट अपडेट होगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। एंड जो माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, इस बार उस भी काफ़ी ज़्यादा इशू है कि इस बार सीट जो लास्ट कट ऑफ पे कहाँ तक कॉलेज मिल सकता है। देखिए लास्ट ईयर जो जनरल कॉलेज में सबसे पहले कट ऑफ क्लियर हुआ था वो था SKS मथुरा, जिसने लास्ट रैंक क्लोज की थी फर्स्ट राउंड में, और इसी SKS मथुरा के राउंड थ्री में जो कट ऑफ थी 560-540-50 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है, और FH आगरा ने माइनॉरिटी में 200 पे क्लोज किया था। तो इस बार अगर आपका स्कोर 250-255 है तो माइनॉरिटी कॉलेज आपको मिल सकता है, ये आप उम्मीद रख सकते हैं। और अगर आपका स्कोर 250-300 के बीच में फॉल कर रहा है तो आपको नया मेडिकल कॉलेज कोई भी मिल सकता है, और पुराने में कुछ कॉलेजेस हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ की बात करें और जो आपका रैंक है 30 मार्क्स पे भी ऑलमोस्ट 50,000-60,000 रैंक का गैप आ रहा है। सो फर्दर किसी भी टाइप का डाउट हो, किसी टाइप का गाइडेंस चाहिए हो, हमारी आईडी आपको शो हो रही होगी, अगेन मेंशन कर रहा हूँ, जिसको भी प्रीमियम प्लान चाहिए होगा 1999 का भी मिल रहा है, आप एनरोल कर सकते हो। इतना बस कहना चाहूँगा लास्ट पे कि 1999 विल बी वर्थ स्पेंडिंग, यू कैन ज्वाइन अवर टीम, हमारी असिस्टेंस आपके साथ है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों में जो उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हैं, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, हमारी कोशिश रहती है हर एक बच्चे के कमेंट को रिप्लाई करें और आगे भी करेंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।